आज हम आपको मैजिक क्ले का यूज बताएंगे। हर किसी के बैग में क्ले और नर्सरी के बच्चों को ऐसे क्ले दिया गया है, उसको हम घर पे कैसे यूज कर सकते हैं जिससे हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा बताएंगे आपको। पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन में बच्चे घर पे भी इसको यूज कर सकते हैं और उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, क्ले अवेलेबल नहीं है, वैसे तो हर किसी के बैग में आप सर्च करिएगा, किट के साथ हम देते हैं। अगर नहीं है तो मैदा को आप घर पे पानी और थोड़ा सा तेल डाल के घून के बच्चे को दीजिएगा। इसके लिए हम ऐसे बच्चे को बोलेंगे, इसको जो क्ले को है उसमें निकाल के ऐसे अपने जो फिंगर्स के ऊपर दर्द से इसे इसमें से क्या होगा, आपके किसी भी शेप का उसको बोलेंगे तो बच्चा बना पाएगा। ऐसे करके सारा अल्फाबेट फॉर्मेशन भी बच्चा कर पाएगा। अगर बच्चा प्ले ग्रुप में है और उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो क्या होगा, आप यहाँ लेटर फॉर्मेशन कर देंगे और बच्चे को तो आप इंस्ट्रक्ट ही करेंगे कि कैसे ए बनाए। तो बच्चे को पहले बता देंगे कि ऐसे स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन बनाओ और अनदर स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन बनाओ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से ए बना सकते हो। ऐसे करने से क्या है, बच्चे का जो पाम मसल्स है वो स्ट्रांग होंगे, तो क्या होगा उनको राइटिंग में बहुत इजीली वो पेंसिल पकड़ पाएंगे, ग्रिपिंग उनका सही होगा, उनका मसल स्ट्रांग हो जाएगा और उनको खेलने में भी मजा आएगा। जो नर्सरी के बच्चे हैं उनके लिए तो लेटर आइडेंटिफिकेशन सारे बच्चों को हुआ है। पेरेंट्स अगर ऐसे उनको मैदा जिनके पास प्लेडो नहीं है, मैदा भी उनको नीट करके देंगे, गूंद के देंगे, तो वो इससे नंबर्स और अल्फाबेट्स फॉर्मेट करेंगे। और जो घर में हमारा जो बेलन है, हमारे स्कूल में तो प्लेडो के लिए बेलन भी है, और उनको बोलने से ऐसे वो किसी भी शेप में उनके पास स्टैकर होता है और वो शेप बनाने के लिए होता है, ऐसे सबको उसमें दिया जाता है, उसको बना के कुछ भी आपको फ्लावर ट्री फीस ऐसा भी दिखाएंगे। ऐसे उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा और वो कुछ नया चीज सीख भी पाएंगे, उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। और कोई भी लेटर को फॉर्मेशन करने के लिए आप पहले बच्चे को बोलिएगा ऐसे आटा को या ये जो प्लेडो है उसको अच्छे से वो इसे रोल बनाए। रोल बनाने के बाद किसी भी शेप में आप एक लेटर बोलेंगे उनको, बी बनाओ या सी बनाओ। बच्चों को नर्सरी के बच्चों को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन है तो वो क्या करेंगे, उस लेटर को इसमें फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, उनको लेटर रिकल भी हो जाएगा और खेल खेल में बहुत कुछ चीजें वो सीख भी जाएंगे और याद भी आ जाएगा, बच्चे बोर भी नहीं होंगे। बट जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं उनको आपको गाइड करना पड़ेगा, या बुक में जो ABCD पिक्चर है उसको दिखा के अगर आप बोलेंगे ऐसे बनाएं, और पहले गाइडेंस देना पड़ेगा, बच्चे अच्छे से बना लेंगे, ये प्ले ग्रुप का वर्क हो जाएगा। थैंक यू पेरेंट्स, हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे जो किड्स हब यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो आप हमारा जो वीडियो है देख के बच्चों को गाइड कर सकते हैं। हम डेली अपडेट रहेंगे।